हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय स्मार्ट ट्रिक। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लाए हैं वो आज जो नेवी ट्रेड्समैन का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों, आज पहला जो प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में वो ये है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हैदर नाम था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर था। दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में वो ये है कि बल की इकाई क्या है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था कि बल की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तरल धातु कौन सी है। दोस्तों, प्रश्न आया होगा कि निम्नलिखित में से तरल धातु कौन सी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। चौथा प्रश्न है, सिपी किला दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों, प्रश्न आया था कि सिपी किला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पाँचवा प्रश्न है, 1858 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, प्रश्न आया था कि 1858 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है। दोस्तों, हमारे जो संविधान है भारतीय, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। सातवां प्रश्न है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। दोस्तों, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है केन विलियमसन। आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, जब चुनाव होता है उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। नौवां प्रश्न है दोस्तों, धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों, प्रश्न है कि जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। दसवां प्रश्न है, 2019 में भारतीय कबड्डी टीम के कोच कौन थे। दोस्तों, इसका जवाब आप लोग नेट पर सर्च मार लीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आया था एग्जाम में और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आगे के एग्जाम में भी आ सकता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष। बारहवां प्रश्न है, जगन्नाथ थोडू योजना किस राज्य में है। ठीक है, जो ये योजना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की योजना है। तेरहवां प्रश्न है, किसने महिला बिग बैश लीग जीता है। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में ये क्रिकेट होता है। इस प्रश्न है दोस्तों, किसने महिला बिग बैश लीग जीता, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिडनी थंडर। चौदहवां प्रश्न है, एक संख्या को, दोस्तों ये जो प्रश्न है ये मैथ्स है, एक संख्या को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है काफ़ी आसान है, आप लोग भी इसका आंसर बना दिए होंगे। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, इसका आंसर 32 हो जाएगा। दोस्तों, पंद्रहवां प्रश्न है, नागौर मेला किस राज्य में लगता है। दोस्तों, प्रश्न आता है कि नागौर मेला है वो भारत के किस राज्य में लगता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में लगता है। सोलहवां प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और आगे के एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, आगे के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अठारहवां प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के संदर्भ में टी का क्या तात्पर्य होता है, मतलब टी से क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फुल रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्नीसवां प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। बीसवां प्रश्न है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, ये जो है ये कोनेरू हम्पी, ये किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा शतरंज। इक्कीसवां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संचालित प्रथम किसान आंदोलन कौन था। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, आपको इसका जवाब पता होगा, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा चंपारण। बाईसवां प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तेईसवां प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों, ये प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता होगा, अशोक गहलोत। चौबीसवां प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कालिदास ने। आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना था दोस्तों, मैथ्स जो प्रश्न आ रहे हैं CISI से करीब करीब 2 से 3 प्रश्न थे, आज के जो एग्जाम हुआ है दोस्तों उसमें CISI से 2 से 3 प्रश्न थे। और दोस्तों, टाइम एंड वर्क की बात करें तो इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। मेंसुरेशन की बात करें दोस्तों, तो इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, आपको एक और नोटिस देना था एडमिट कार्ड से संबंधित। दोस्तों, कहीं कहीं सेंटर पे एडमिट कार्ड जो है वो रंगीन मांग रहा है, तो दोस्तों आप लोग ये कीजिएगा कि आप लोग एडमिट कार्ड रंगीन निकलवाइए और उसी को लेकर एग्जाम सेंटर पर जाइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।